मोदी जी कहने वाले हैं सबके साथ सबका विकास, ये हम तो हिंदुत्व का बात करने लगे ना, आ गए ना हिंदुत्व पे, आ गए ना हिंदुत्व पे। देखिए यहाँ पर बोलते हैं जातिवाद से निकलना है, ये जात का बात करने लगे तो ये कहाँ तक सही है? चेंज मतलब बदलाव होना चाहिए। अरे दोनों राज को देख लीजिए कितना विकसित है, कितना डेवलप कर रहा है। तो आपके हिसाब से मतलब मोदी जी सही काम नहीं कर रहे हैं? मोदी जी क्या किए? विकास से बात करते हैं तो कहाँ गए? रोजगार पे कहाँ बात करते हैं? एजुकेशन पर पूरे वर्ल्ड में कहीं टैक्स नहीं है, यहाँ टैक्स लगा हुआ है। मीडियम क्लास के लोगों का हालत खराब है अपने बच्चों को पढ़ाने में, उसे बात कहीं नहीं करते हैं। मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं क्या? मीडिया के सामने आए हैं क्या? मीडिया के सामने बात करें, वो मन की बात करते हैं। मेरी मन की बात कौन सुनेगा भाई? मेरी मन की बात कौन सुनेगा? हम किसको सुनाएंगे अपनी मन की बात? हमको जो तकलीफ है हम किसको जाएंगे सुनाने के लिए? मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, वो अपनी मन की बात करते हैं। उनकी मन की बात सुन के हम क्या करेंगे भाई? जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव कितना नजदीक आ चुका है, और इस बीच अगर बात की जाए प्रधानमंत्री को लेके, तो मैं लोगों के बीच में आया हूँ और ये चीज़ पता करूंगा कि इनके हिसाब से ये किसे प्रधानमंत्री का चेहरा देखना पसंद करेंगे। चाचा जी मौजूद है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव तो इतना नजदीक आ चुका है, आप किसे प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखना पसंद करेंगे? मोदी जी को 400 पार इस बार जाएगा। क्यों? ऑल भारत में अच्छा काम कर रहा है ना, देश मजबूत हमारा कर रहा है। कैसे मुझे चाहिए कुछ? देश को मजबूती चाहिए हमें, साफ सुथरा, पूरे बॉर्डर पे, सीमा पे सब रोड बना रहा, सब कुछ बना रहा। हमें बिजली मिला, हमें गैस मिला, हमें सब कुछ मिला, खाद फ्री मिल रहा है। मोदी से बड़ा चेहरा दूसरा कोई नहीं है। जी जी जी, एक मिनट रुकिए, क्या बोल रहे हैं आप? जातिवाद कुछ नहीं, हमको मोदी चाहिए। जातिवाद से हमको लेना देना नहीं है। जातिवाद ही ऐसा मुद्दा है जो हम लोग को भटकाया जा रहा है, हम लोग को बिगड़ाया जा रहा है, हम लोग को अथु किया जा रहा है, लेकिन हम लोग को ये नहीं लेना। विपक्ष की तरफ से तो ऐसा कहा जाता है ना कि जहाँ पे बीजेपी की सरकार रहती है वहाँ पे धर्मवाद और जातिवाद के नाम पे वोट बटोरने का काम करती है, इस बात में कितनी सच्चाई लग रही है? विपक्ष में मजबूत रहना चाहिए जरूर, लेकिन यहाँ कांग्रेस भी खत्म है। लालू तो हर जगह चोरी करता, उसका बेटा वो तो, वो विपक्ष में रहना भी नहीं चाहिए। दूसरा कोई आएगा मजबूत आएगा विपक्ष में, उसको खत्म होना चाहिए। कौन 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 आएंगे? आएंगे चिराग पास में बहुत पार्टी है, आएगा बहुत पार्टी विपक्ष प्रधानमंत्री के लिए। उस लालू जी भी, आदे जी भी, दूसरा कोई चेहरा है? ये गोपालगंज सीमा नेपाल के बॉर्डर पे पूरे बिहार कांग्रेस नचा रहा है, कोई काम का आदमी है? बहुत यार अब जाति बहुत है बिहार में पढ़े लिखे, दूसरा कोई आए? ये परिवारवादी है, देखिए राबड़ी देवी को विधान परिषद बनाया, ये खानदानी चले आ रहा। हम पब्लिक का सीट है, उसका सीट कहाँ आया? आप रुकेंगे चाचा, दो मिनट का और आपसे टाइम लूंगा। यहाँ पे बात हो रही है लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसे देखना पसंद करेंगे? जी नरेंद्र मोदी जी को। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम किए हैं, प्लस में हिंदुत्व के साथ वो जुड़े हुए हैं, और प्लस में वो इंटरनेशनल लेवल के पर अभी अबू धाबी में अभी जाकर राम मंदिर बनवाए हैं। जी आ गए ना, आ गए नौकात पे। जी ये मोदी जी कहने वाले हैं सबके साथ सबका विकास, ये हम तो हिंदुत्व का बात करने लगे ना, आ गए ना हिंदुत्व पे, आ गए ना हिंदुत्व पे। देखिए यहाँ पर बोलते हैं जातिवाद से निकलना है, ये जात का बात करने लगे तो ये कहाँ तक सही है? ठीक है, देखिए इधर जी इधर आइए। ये जो मोदी जी जो है, देखिए बोलने पे हम बोलना नहीं चाह रहे थे लेकिन मजबूर कर देते हैं लोग बोलना। ठीक है, ये जो मोदी जी हैं ये बड़का का पार्टी है। ठीक है, ये गरीबों का पार्टी नहीं है। आप अभी इससे पहले आप आरक्षण चला रहे थे, आरक्षण का बात कर रहे थे कि रेलवे में आरक्षण जो सीनियर सिटीजन का जो बंद किया गया है, तो बहुत सारे ऐसे भी है, बहुत सारे रेलवे से जुड़ा हुआ बहुत सारा बात है। जो कोरोना काल में जो टिकट जो 10 रुपये का जो हुआ करता था उसको 30 रुपये किया गया, उसको बंद, उसको अभी तक 30 रुपये किया गया, 10 रुपये नहीं किया गया कोरोना के बाद। ठीक है, कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी बात है, आप इसी पर कहे उलझा के रखे। आपके हिसाब से आप किसे देखना पसंद करेंगे? आपके हिसाब से आप किसे प्रधानमंत्री का चेहरा देखना पसंद? चेहरा तो तय नहीं करेंगे लेकिन परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में दो राज ऐसा है जिससे हम सब सीखना चाहिए, पूरे राज को सीखना चाहिए, राजस्थान और तमिलनाडु। आप वार्ड काउंसिल का चुनाव लड़ें, आप एमपी का चुनाव लड़ें, आप विधायक का चुनाव लड़ें, आप काम कीजिए ना कीजिए 5 साल में चेंज, मतलब बदलाव होना चाहिए। अरे दोनों राज को देख लीजिए कितना विकसित है, कितना डेवलप कर रहा है। तो आपके हिसाब से मतलब मोदी जी सही काम नहीं कर रहे हैं? मोदी जी क्या किए? विकास से बात करते हैं तो कहाँ गए? रोजगार पे कहाँ बात करते हैं? एजुकेशन पर पूरे वर्ल्ड में कहीं टैक्स नहीं है, यहाँ टैक्स लगा हुआ है। मीडियम क्लास के लोगों का हालत खराब है अपने बच्चों को पढ़ाने में, उसे बात कहीं नहीं करते हैं। मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं क्या? मीडिया के सामने आए हैं क्या? मीडिया के सामने बात करें, वो मन की बात करते हैं। मेरी मन की बात कौन सुनेगा भाई? मेरी मन की बात कौन सुनेगा? हम किसको सुनाएंगे अपनी मन की बात? हमको जो तकलीफ है हम किसको जाएंगे सुनाने के लिए? मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, वो अपनी मन की बात करते हैं। उनकी मन की बात सुन के हम क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे हम? मोदी जी मतलब काम नहीं कर रहे हैं जिस ढंग से, मतलब और विकास होना चाहिए। अरे भाई
हम जनता के प्रति मोदी जी का एक काम जानना चाहते हैं, पांच काम दस काम बहुत पत्रकार में सुनते हैं, हम एक काम जानना चाहते हैं जनता के प्रति जो मोदी जी ने किया। जी एक मिनट, यहाँ चाचा जी मौजूद हैं, ये काफ़ी मतलब बोल रहे थे कि मोदी जी को मिलना चाहिए मौका। मैं इनसे पूछूंगा और पता करूंगा कि पांच काम उन्होंने पूछा, पांच काम बताइए आप मुझे। क्या काम मोदी जी का? पांच काम जो वो काम किए हैं विकास को लेकर। सबसे पहले 370 हटाया और हमारे बिहार में किसी को चप्पल जूता तक नहीं, पुराना आदमी है, सबको घर, सबको छत, सबको बिजली, सबको बाइक है, सबके पास मोबाइल है, अब तो गरीबी दूर हो गया। आप आगे हाँ आगे आके बोले, क्या बोल रहे हैं? 370 से चाचा को क्या फायदा हुआ, एक फायदा बता जी। 370 से आपको क्या फायदा हुआ ये बताइए। हमें फायदा हुआ जो जम्मू हमारा भारत का अंग बना, पहले वहाँ हम जमीन नहीं ले सकते थे, कुछ भी नहीं था, नहीं पहले नहीं था। अरे कांग्रेस राज में इतना जबरदस्ती, हम लोग 70 साल बुद्धे किसी पूछ लीजिए, बुद्धे किसी, ये इतना काम किया है जो जो कोरिया है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मतलब लोगों के बीच में अभी ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस बार राहुल गांधी को मौका मिले कि भारत और भी अच्छी तरह से विकसित हो सके, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी को फिर से मौका मिलना चाहिए कि जिस तरह से अभी भारत का विकास हो रहा है और भी तेज़ी से हो सके। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वी सिंह सहयोगी करण के साथ पटना।